शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार एवं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकगणों, देवियों, स्वजनों, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों की ओर से अपने देश के शिक्षक समुदाय को नमन करती हूँ। आज पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि आज पुरस्कृत 45 शिक्षकगण भारत के कोने कोने से आए हैं। उनमें एक दिव्यांग शिक्षक तथा 18 महिला शिक्षकों को पुरस्कृत करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। इस समारोह के प्रभावी आयोजन तथा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अनेक प्रयासों के लिए मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी तथा शिक्षा मंत्रालय की पूरी टीम को प्रशंसा करती हूँ। प्रिय शिक्षकगण, शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों का सादर स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ पढ़ाया बल्कि प्यार भी दिया और संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। अपने परिवार व शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। अपनी जीवन यात्रा में मैं जहाँ तक पहुँच सकी हूँ उसके लिए अपने उन शिक्षकों के प्रति मैं सदैव कृतज्ञता का अनुभव करती हूँ। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शायद इसलिए जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा तो उस विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक एवं स्टेट्समैन ने ये इच्छा जाहिर की कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए।